नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर सेकेंड, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। और लीनियर इक्वेशन क्या है, ये सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, ये सारा चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, जो मैथ्स का पार्ट है, जो क्लास 8 का मैथ्स का पार्ट है, वो भी मैं वीडियो सीरीज़ में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो इसके लिए अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाला वीडियो के नोटिफिकेशन पाने। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ऐसा इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल होगा एंड लीनियर होगा। वो वेरिएबल जो क्या वेरिएबल क्या होगा, लीनियर होगा। लीनियर होना मतलब उसका जो वेरिएबल जो है उसका हाईएस्ट पावर जो है वन होना पड़ेगा। ये सारा चीज़ मैं अभी दिखाऊंगा कि क्या वेरिएबल है, किसको कॉन्स्टेंट बोलते हैं, सारा चीज़ दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वलिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स, इट हैज़ एन इक्वलिटी साइन। एन एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट ऑफ द इक्वलिटी साइन इज द लेफ्ट हैंड साइड LHS, एंड द एक्सप्रेशन ऑन राइट हैंड साइड राइट ऑफ इक्वलिटी साइन इज द राइट हैंड साइड तो RHS। तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलते हैं तो उसका लेफ्ट हैंड साइड एक होगा और राइट हैंड साइड एक होगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में आपको मैं दिखा रहा हूँ, सपोज ये एक एक्सप्रेशन है, ओके। यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है 2x माइनस 3 इक्वल टू 7। तो यहाँ पे 2x में जो x जो है इट इज़ कॉल्ड द वेरिएबल, ओके। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ओके। उसके बाद ये तो हो गया इक्वलिटी, इक्वलिटी मतलब इक्वल साइन। और जो इक्वल साइन का जो हमारा लेफ्ट साइड है उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल साइन का जो राइट हैंड है उसको राइट हैंड साइड। तो जब भी हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं उसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होना चाहिए, और उसका इक्वल साइन होना चाहिए, और एक वेरिएबल होना जरूरी है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, ये वेरिएबल जो है लीनियर होना है। वेरिएबल क्या है, लीनियर होना मीन्स इसका जो पावर है, जो एक्स का जो पावर है, पावर हमेशा वन होना है। क्या होना है, वन होना है। दैट मीन्स अगर पावर यहाँ पे अगर एक्स का एक्स ऐसा करके ऊपर में स्क्वायर हो जाता या एक्स के ऊपर में 3 हो जाता तो इसको हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोलेंगे, ओके। लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब होता है कि उसका पावर जो है, जो हाईएस्ट पावर जो उसका हम जो डिग्री बोलते हैं, डिग्री 1 होना चाहिए, ओके। इसका जो एक्स का जो पावर है 1 होना चाहिए, इसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर कैसे हो गया, इसका पावर कितना है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या है, 1 है। और 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, तो ये है सिंपल फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ कि लीनियर इक्वेशन इस टाइप का फॉर्मेट होगा। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल कितना है, एक है, ओनली x एक वेरिएबल है, ओके, ये वेरिएबल है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी लीनियर इक्वेशन का बात करते हैं इसका मतलब ये क्या है, इक्वल साइन दिया है ना, तो यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा इक्वल होता है, ओके। इक्वल होने के लिए जो हमको x x को एक नंबर है, एक्स को एक नंबर रिप्लेस करता है, जिसके कारण ये जो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इधर यहाँ पे भी इक्वल, यहाँ पे भी इक्वल, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो एक्स का सॉल्यूशन निकालना, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, इसको भी देखते हैं। उससे पहले हम इसको देख लेते हैं। इन एन इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड साइड्स आर इक्वल। जब भी ये जो है, जो वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू और राइट हैंड साइड का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। दिस हैपेंड टू बी ट्रू ओनली फॉर सर्टेन वैल्यूज। लेकिन जो एक्स जो है, एक्स सपोज एक्स की जगह में हम कुछ भी नहीं लिख सकते, कुछ ऐसा वैल्यू है जी, उसी वैल्यू को डालने से ही ये इक्वेशन बराबर होगा। तो उस वैल्यू को खोजना पड़ेगा, मतलब वैल्यू मतलब उसका जो एक्स की जगह में कौन सा नंबर लिखेंगे तो हमारा ये इक्वेशन बराबर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन, द वैल्यूज आर द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ओके। अब उसको सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, एक दो एक्सरसाइज में जाएंगे हम। 2.1 एक्सरसाइज पहला जो है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या है, ओके। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, एक्स माइनस टू इक्वल टू 7, ओके। एक्स माइनस टू इक्वल टू 7, जैसे कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, जैसे मैंने बोला लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, ओके। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एक्स माइनस टू, और राइट हैंड साइड में क्या है, 7। तो अब एक्स के जगह में कौन सा ऐसा वैल्यू हमको लिखेंगे तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा, ओके। इसको हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूं, ओके। देखिए ये है x माइनस टू इक्वल टू 7,
हमको इसको सॉल्यूशन करने का, इसका सॉल्व करने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे मैं जो तरीका बोलूँगा सबसे इजी वाला तरीका आपको मैं बताऊँगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। और दूसरा तरीका भी है, हमको इक्वलाइजिंग भी हम कर सकते हैं, इक्वलाइजिंग करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, -2 दिख रहा है। ये -2 को हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, ओके। लेकिन ध्यान रखिए, जब भी हम कोई एक चीज़ को लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा मतलब अगर यहाँ पे माइनस है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ओके, क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 7 प्लस 2। क्यों हो गया, यहाँ पे -2 था, इधर गया तो +2 हो गया। ओके, कैसे, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग 2 टू राइट हैंड साइड। हमने क्या किया, हमने क्या स्टेप यूज किया, ये -2 था, ओके, यहाँ पे -2 नॉट 2, ये -2 का हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में ले गए। ओके, राइट हैंड साइड में लेने के बाद क्या हो गया, 7 प्लस 2 हो गया। अब एक्स का मान क्या हो गया, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 9, दिस इज द आंसर। तो अब देखिए, ओके, अगर हम एक्स के जगह में क्या लिखते हैं, 9 लिखते हैं, एक्स के जगह में 9 लिखते हैं, तो 9 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड का बात कर रहा हूँ, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7, और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है, 7। तो एक्स एक्स इक्वल टू 9 इसका सॉल्यूशन हो गया, तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 9 इज द आंसर। ओके, दूसरा क्वेश्चन को लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया है वाई प्लस 3 इक्वल टू 10। ओके, इसको भी आपको सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हो, वाई प्लस 3 इक्वल टू 7, सॉरी वाई प्लस 3 इक्वल टू 10। तो वाई के जगह में क्या ऐसा वैल्यू लिखेंगे तो दोनों साइड बराबर हो जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ, y प्लस 3 इक्वल टू 10, जो यहाँ पे जो है प्लस 3 है, हम इसको इस साइड ले जाने की कोशिश करेंगे, ओके, राइट हैंड साइड की तरफ ले जाने की कोशिश करेंगे। तो राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 माइनस 3 हो जाएगा। ओके, यहाँ पे प्लस 3 था, इधर जाएगा तो क्या हुआ, -3 हो गया। y इक्वल टू 10 माइनस 3, तो 10 माइनस 3 मतलब, ओके, हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड, ट्रांसपोजिंग 3 टू राइट हैंड साइड, 3 को हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में लेके आए, तो इसको अब हमको आंसर क्या मिलेगा, वाई इक्वल टू 7। ओके, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिए, इसको चेक कर सकते हो आप, वाई के जगह में अगर हम 7 लिख देते हैं, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का बात कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में वाई प्लस दैट मीन्स 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब 7 प्लस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10, और हमारे राइट हैंड साइड में कितना है, 10 है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो गया, y इक्वल टू 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करिए, और कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और जो भी आपको डाउट लगता है कि नहीं समझ में आता है कि सर ये समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको समझाऊंगा आपको कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। और दूसरा मेथड भी है, मैंने पहले भी बोल दिया है कि दूसरा मेथड भी हम यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग मेथड, तो मैं ये सिंपल मेथड आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ओके, यहाँ पे दिया है 6 इक्वल टू z प्लस 2। ओके, थोड़ा सा अलग दिख रहा है आपको, लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आंसर। ओके, पहले क्वेश्चन को लिख लेना है, 6 इक्वल टू z प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमको राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, जेड प्लस टू है, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 6 है, ठीक है। तो ये 2 जो है, 2 को हम x मतलब ट्रांसपोज कर देंगे, उधर ट्रांसफर कर देंगे, किस साइड में, ओके, किस साइड में ट्रांसफर करेंगे, इस बार लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 6 माइनस 2 हो गया, ये +2 था, इधर गया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, 6 माइनस 2 इक्वल टू जेड। ओके, 6 माइनस 2 कितना होता है, 6 में 2 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमने क्या किया, ट्रांसपोजिंग 2 टू लेफ्ट हैंड साइड, 2 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दिया, दैट मीन्स उधर ले ले लिया, उसको ट्रांसफर कर दिया। अब 6 माइनस 2 इक्वल टू क्या होता है, 4। ओके, 6 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाता है, 4। तो जेड इक्वल टू कितना हो गया, जेड इक्वल टू हमारा आंसर आ गया 4। ओके, इस टाइप से हम सॉल्व कर सकते हैं, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है आपको सॉल्व कराने के लिए। आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा बोल के मैं छोटा कर दे रहा हूँ, और नेक्स्ट वाला वीडियो में आपका इसका पार्ट 2 मिल जाएगा आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।